हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पीसी क्रॉस प्लैनेट। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ अमेजिंग DIY आइडियाज़ यूजिंग न्यूज़पेपर। ये बहुत आसान है बनाने के लिए और हम बिना पैसे खर्च किए इन ब्यूटीफुल सी चीज़ों को घर पर ही बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पहले DIY आइडिया के लिए हम ले लेंगे न्यूज़पेपर और इससे हम बनाएंगे न्यूज़पेपर ट्यूब्स। न्यूज़पेपर ट्यूब्स बनाने के लिए आप ले लीजिए पेंट ब्रश। आप इसकी जगह रिफिल का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड में आप इसमें थोड़ा सा ग्लू लगा दीजिए और इसे अच्छे से सिक्योर कर लीजिए। और इसी तरीके से हम कुछ और न्यूज़पेपर ट्यूब्स भी रेडी कर लेंगे। अब हम करेंगे इसमें पेंट। और पेंट करने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ मेटालिक कॉपर कलर। इस तरीके से अगर आप न्यूज़पेपर को अरेंज करके पेंट करते हैं तो पेंट करना थोड़ा आसान हो जाता है। और इसके बाद आप इसे रोटेट कर लीजिए और इसकी दूसरी साइड में भी पेंट कर लीजिए। और ये हमारी ब्यूटीफुल सी स्टिक्स रेडी हैं। नेक्स्ट स्टेप के लिए अब मैं ले रही हूँ ये मेटालिक वायर्स। आप किसी भी टाइप का वायर ले सकते हैं और इसे मैं इंसर्ट करूँगी इस ट्यूब्स के अंदर। लेंथ इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे मैं एक और न्यूज़पेपर ट्यूब इंसर्ट कर रही हूँ। आपको अगर और लंबा चाहिए अकॉर्डिंगली आप इसमें और भी ट्यूब ऐड कर सकते हैं। और इसे ग्लू लगा के अच्छे से सिक्योर कर लीजिए। जो भी एक्स्ट्रा वायर है इसे हम कट कर लेंगे। इसके बाद हम लेंगे कोई भी सिलेंड्रिकल शेप का ऑब्जेक्ट और अब हम अपने जो रेडी किए हुए ट्यूब्स हैं उन्हें इस तरीके से इस पर रोटेट कर लेंगे। वायर की वजह से ये इस तरीके का शेप फॉर्म करेगा। देखिए कितना प्रिटी लग रहा है ये। सेम प्रोसीजर से हम जो बाकी स्टिक्स हैं इनको भी रेडी कर लेंगे। मार्केट या ऑनलाइन अगर हम ये स्टिक्स ख़रीदते हैं तो ये हमें आराम से अबव 400 रुपीज़ के प्राइस में मिलेंगे। पर घर में हम इतनी ही आसानी से न्यूज़पेपर से बना सकते हैं। आपको ये आइडिया कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इन आर नेक्स्ट DIY वी आर गोइंग टू मेक दिस ब्यूटीफुल वॉल हैंगिंग। इसके लिए हम ले लेंगे न्यूज़पेपर और इसे हम कट कर लेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा आप इसमें कोई पिक्चर नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज जो इसका फाइनल लुक है वो इतना अच्छा नहीं आएगा। इसे हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और हमें इसमें अच्छी तरीके से ग्लू लगा लेंगे। अगेन मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये वायर और हम इसे इसके बीच में ऐसे प्लेस करके इसे अच्छे से स्टिक कर लेंगे। और इसी तरीके से हम कुछ और पेपर्स भी रेडी करेंगे जिससे हम अपने फैदर बनाएंगे। नाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस ट्रांसपेरेंट शीट एंड सम स्केच पेंस और यूं ही मैं रेंडमली इसमें स्क्रिबल करूँगी। इससे हम अपने फेदर्स पे एक बहुत ही प्यारा कलर इफेक्ट्स क्रिएट करेंगे। तो आप अपनी पसंद से कोई भी कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। नाउ आई एम स्प्रेइंग सम वाटर ऑन इट जिससे कि कलर अच्छे से ब्लेंड हो जाए। अब हम अपने पेपर को इस पर प्लेस करेंगे इस तरीके से और देखिए इसमें कितना प्यारा कलर इफेक्ट आया है। इसी तरीके से हम अपने बाकी पेपर फेदर्स को भी कलर कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप वाटर कलर का भी यूज़ कर सकते हैं इस प्रोसेस के लिए। एक्सेस वाटर हम किसी भी कॉटन क्लोथ से इस तरीके से सोक कर लेंगे और इसे ड्राई करने के लिए रख देंगे। दिस इज़ हाउ इट लुक्स आफ्टर ड्राइंग। अब हम इन्हें कट करेंगे फेदर शेप में और यहाँ पर मैं पेंसिल की हेल्प से आउटलाइन बना रही हूँ। And then I'm going to cut it. And again, we are going to cut it from the sides like this. और ये हमारा फेदर रेडी हो गया है। इसी तरीके से हम बाकी के जो फेदर्स हैं वो भी रेडी कर लेंगे। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज दिस ब्यूटीफुल बीट्स। अगर आपके पास ये बीट्स नहीं हैं तो आप इसमें आर्टिफिशियल फ्लावर्स ऐड कर सकते हैं या आप मिरर भी ऐड कर सकते हैं। इससे हमारे वॉल हैंगिंग का लुक और भी इन्हांस हो जाएगा। अब जो ये एक्स्ट्रा वायर है इससे हम तैयार कर लेंगे एक लूप कुछ इस तरीके से ताकि हम इस थ्रेड को इसमें अच्छे से टाई कर सकें। फाइनली मैं ले रही हूँ ये वुडन स्टिक्स। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें ट्विक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत प्रिटी लगेंगे। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक गाइस। आई एम एब्सोल्युटली लविंग इट।
आई होप आप लोगों को भी ये इतना ही पसंद आए। नेक्स्ट हम बनाएंगे ये ब्यूटीफुल ब्राइट कलर्ड न्यूज़पेपर कोस्टर। इसके लिए अगेन हम बनाएंगे कुछ न्यूज़पेपर ट्यूब्स। मैं ले रही हूँ इस तरीके का एक बॉक्स। आप चाहें तो आप स्क्वायर शेप का ग्लास ले सकते हैं, या आपके पास कोई बॉटल हो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा, जिस साइज़ का आपको कोस्टर चाहिए उसी के साइज़ के आसपास का आप ग्लास, बॉटल या बॉक्स जो भी यूज़ कर रहे हैं लें। नाउ ये जो एंड पार्ट है इसे आप ग्लू लगा के अच्छे से सिक्योर कर लीजिए। अब हमारा आउटर पार्ट ऑफ द कोस्टर इज़ रेडी। इनर पार्ट बनाने के लिए अगेन हम एक ब्रश लेंगे और उसकी हेल्प से हम न्यूज़पेपर को इस तरीके से रोटेट करेंगे। जब अच्छा खासा बेस आपका तैयार हो जाए तो आप इस ब्रश को निकाल लीजिए और अपने हाथों से इस तरीके से इसे धीरे धीरे रोटेट कीजिएगा। ट्यूब की लेंथ इंक्रीज़ करने के लिए आप एक एंड पोर्शन में ग्लू लगाइए और जो दूसरी ट्यूब है इस तरीके से इंसर्ट कीजिए। इससे क्या होता है कि ये फिक्स हो जाती है और निकलती नहीं है। वंस यू गेट द डिज़ायर साइज, उसके बाद ये जो एंड पार्ट है इसे अगेन आप सिक्योर कर लीजिए। एंड नाउ हम इसे फिक्स करेंगे द आउटर स्क्वायर जो हमने पहले बनाया था इसके साथ। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई सम गुड अमाउंट ऑफ ग्लू ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए, और उसके बाद हम इसे कुछ देर सूखने के लिए रख देंगे। यहाँ यह चित्र ड्राई हो चुका है, नाउ इट्स टाइम टू कलर इट। यहाँ पर मैं ले रही हूँ आर्कलिक नियॉन कलर्स, ये बहुत ही ब्राइट लगते हैं। अब हम अच्छी तरीके से साइड्स में भी इसमें कलर कर लेंगे। मैंने इसे बहुत ही सिंपल बनाया है, आई हैव जस्ट गिवन द शेड ऑफ टू कलर्स। आप चाहिए तो इसमें बहुत वैरायटी ऑफ डिज़ाइंस कर सकते हैं, आप कुछ पेंटिंग्स बना सकते हैं या आप कुछ डिफरेंट शेप्स में इसे बना सकते हैं। एंड हियर आवर कोस्टर इज रेडी गाइस। इन आर नेक्स्ट DIY वी आर गोइंग टू मेक दिस ब्यूटीफुल फ्लावर वेज। इसके लिए मैं ले रही हूँ ये प्लास्टिक बॉटल। इसका शेप मुझे बहुत ही प्रिटी लगा था, इसके टॉप के पार्ट को हम कट कर लेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू टेक न्यूज़पेपर। प्लीज़ कीप इट इन द माइंड, नो पिक्चर नो हेडिंग शुड बी देयर इन द न्यूज़पेपर। ब्रश को आप अच्छे से पानी में डिप कर लीजिए एंड देन आई एम यूजिंग एक्रिलिक कलर। पानी यूज़ करने का रीज़न ये है कि हम इस तरीके से इसे टेयर कर सकते हैं। नाउ इसी तरीके से हम ये रैंडम लाइंस बनाएंगे और इन पेपर को हम इस छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई सम ग्लू एंड वाटर मिक्सचर ऑन द बॉटल एंड देन हम इन पेपर पीसेस को इसके ऊपर इस तरीके से पेस्ट करेंगे। कॉर्नर में अच्छी तरीके से हम ग्लू अप्लाई करेंगे, साथ ही साथ हम इसके ऊपर भी ग्लू अप्लाई करेंगे। और इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि बीच में कोई गैप नहीं छूटना चाहिए। इसी तरह हम पूरे बॉटल को कवर कर लेंगे पेपर से और अब हम इसे थोड़े देर ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स आफ्टर ड्राइंग। नेक्स्ट हम लेंगे एक कार्डबोर्ड और इसे हम कट कर लेंगे सर्कुलर शेप में। अब हम लेंगे कुछ न्यूज़पेपर पीसेस, अगेन नो हेडिंग नो पिक्चर्स। अब हम अप्लाई करेंगे ग्लू वाटर का मिक्सचर इस कार्डबोर्ड के ऊपर एंड नेक्स्ट हम इन पेपर पीसेस को इसके ऊपर स्टिक कर लेंगे। ऐसा ही सिमिलर वीडियो मैंने पहले भी बनाया है जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया और आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं ऐसे ही और भी वीडियोज़ बनाऊँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आई बटन में आपके साथ शेयर कर लूँगी, साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूँगी। नाउ यहाँ पर अब हम इसे पीछे की तरफ भी इस तरीके से स्टिक कर लेंगे। ये छोटे छोटे पीसेस में जो हमने इसे कट किया था इस वजह से ये चिपकाने में थोड़े आसान हो जाते हैं। इसके बाद हम इसे ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे एंड आफ्टर ड्राइंग इट विल लुक लाइक दिस। सिमिलरली हम कुछ और पीसेस भी तैयार कर लेंगे। आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ बैलेट डांसर ऑन दिस, इसीलिए रफली मैं इसे पहले पेंसिल से बना रही हूँ।
आप चाहें तो इसमें बर्ड्स बना सकते हैं, आप ट्रीज़ बना सकते हैं, फ्लावर्स बना सकते हैं। और इसी कलर करने के लिए मैं यहाँ पे मार्कर का यूज़ कर रही हूँ। आप आकलिक कलर यूज़ कर सकते हैं, पोस्टर कलर यूज़ कर सकते हैं। एक क्वेरी मुझसे बहुत कॉमनली पूछी जाती है कि आफ्टर सम टाइम्स इसमें येलोइशनेस आ जाती है, तो इसके लिए आप इस पर वार्निश अप्लाई कीजिए। एट द एंड मैं यूज़ कर रही हूँ क्रेयॉन्स कुछ हाईलाइट करने के लिए। ये स्टेप कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। और इसे हैंग करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये डबल साइडेड टेप फॉर रेंटल अपार्टमेंट। दिस इज़ वेरी यूज़फुल गाइस। आप इससे कुछ भी लाइट वेट की चीज़ें हैं जो वॉल पे आप इस तरीके से हैंग कर सकते हैं। फॉर आवर लास्ट DIY हम लेंगे 3 डिफरेंट साइज के न्यूज़पेपर कटिंग्स। इन्हें हम इस तरीके से फोल्ड कर लेके एंड नाउ वी विल कट इट इनटू आवर पेटल शेप। आप चाहें तो पहले पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं एंड देन आप इसे कट कर लीजिए। डू द वे विच इज़ कन्वीनियंट फॉर यू। और ये हमारे फ्लावर रेडी हो चुके हैं। इसी तरीके से हम बाकी फ्लावर्स को भी कट कर लेंगे। नेक्स्ट हम लेंगे टूथपिक और इसमें हम अपने फ्लावर्स को अरेंज करेंगे। अगेन इसके कॉर्नर्स को मैं हाईलाइट कर रही हूँ और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ आकली कलर्स का। हम इसे सिक्योर करने के लिए नीचे लगाएंगे थोड़ा ग्लू और एक पेपर स्टिक करेंगे ताकि अच्छे से सिक्योर हो जाए। सिमिलरली हम इसके अपर पार्ट को भी सिक्योर करेंगे इसी तरीके से। और हमारा न्यूज़पेपर फ्लावर इज़ रेडी नाउ। सी हाउ कलरफुल इट इज़ लुकिंग। आई होप आपको आज के DIY आइडियाज़ पसंद आए होंगे। आप मुझे अपना फीडबैक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।